एक उच्च कोटि के लेखक जो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उनके लिखने की कला व कहानियां बेमिसाल थी जो आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। एक दिन मैं कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित हुए, बाद में मैं सभी अध्यापकों से मिले जिनमें मैं भी शामिल था। बातचीत के दौरान उन्होंने अपना प्रोग्राम बदलकर हमारे घर पर रात बिताने की इच्छा जाहिर की और मैंने इसे खुशी से अपना सौभाग्य समझते हुए मान लिया। गर्मियों के दिन थे, घर पहुंचकर स्नान किया और फिर बातें करने लगे। वह लेखक जिनका नाम था संतोष सिंह धीर, मैं उन्हें धीर साहब बुलाता था। धीर साहब लंबी चौड़ी बातें करते हुए मेरे दिमाग को साफ करने का प्रयास कर रहे थे और वह अपना सारा जोर इस बात पर लगा रहे थे कि भगवान नाम की किसी वस्तु का कोई वजूद नहीं है, ये केवल एक भ्रम जाल है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत जोरदार दलीलें दी और वह मुझे बार बार समझा रहे थे कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, आपको परमात्मा में बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं उनकी तर्क भरी बातें सुनकर बहुत हैरान परेशान था कि मैं इतने बड़े विद्वान को अब क्या कहूं, मुझे उन जैसी बातें नहीं आती। मैं उनके साथ बैठा हुआ मन ही मन ये अरदास कर रहा था कि हे वाहिगुरु, हे गुरु पातशाह, मुझे धीर साहब को जवाब देने का बल, बुद्धि और हिम्मत दें। खाना खाने तक धीर जी बेरोक बोलते ही रहे। खाने के बाद मैंने बहुत ही विनम्रता से कहना शुरू किया कि धीर साहब, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और आपका जिंदगी का तजुर्बा भी मुझसे कहीं अधिक है। मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, अनाड़ी हूँ और मैथ के सवाल निकालने के अलावा और कुछ नहीं जानता। आप कहते हैं कि भगवान नहीं है, परंतु मेरा गुरु धन श्री गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि वह है, वही सबका दाता है। सब ना जिया कायिक दाता, सो मैं विसर न जाए। धीर साहब, बातों से तो मैं आपको कभी भी जीत नहीं सकता, परंतु आप अच्छी तरह से सोचकर मुझे एक सुझाव जरूर दें कि मैं आपकी बात मानूं या गुरु नानक देव जी की। मेरी बात सुनकर धीर साहब को कोई जवाब नहीं सोच रहा था। अंत वह कुछ पल बाद बोले कि गुरु नानक जी के मुकाबले मैं आपको अपनी बात मानने के लिए नहीं कह सकता। असल में वह मुझे सिख विचारधारा से तोड़कर कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़ना चाहते थे, परंतु गुरु साहब ने मेरी अरदास को सुना और मेरी साधारण सी तर्क बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।